इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक चाइना विंटर में भारत के ऊपर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन डिफेंस जानकारों का मानना है कि अगर चाइना ऐसा करता है तो ये चाइना की बहुत बड़ी गलती होने वाली है। इंडियन एयरफोर्स के फॉर्मर चीफ ए मार्शल रघुनाथ नाम्बियार जी का मानना है कि तेजस MQ-2 राफेल से बेहतर होने वाली है। टर्की अभी इंडियन नेवी के लिए 5 फ्लीट सपोर्ट शिप्स को बनाने वाली है। इंडो पैसिफिक रीजन में अभी रशिया भारत के साथ शामिल हो सकता है, और रिसेंटली चाइना की तरफ से ये क्लेम किया गया था कि उन्होंने अभी दुनिया की सबसे बड़ी एमपीवीएस एयरक्राफ्ट को बना लिया है और इसकी टेस्ट फ्लाइट की वीडियो को भी रिलीज किया गया था, लेकिन इसके पीछे सच्चाई कुछ और है। आज की वीडियो में हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस MQ-2 को लेके। कुछ लोगों को शायद ये अपडेट अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के वेस्टर्न कमांड के फॉर्मर चीफ एयर मार्शल रघुनाथ नाम्बियार जी ने NDTV से बात करते हुए बताया था कि आने वाले 10 सालों में इंडियन एयरफोर्स में जो फाइटर जेट शामिल होने वाले हैं वो राफेल से बेहतर होने वाले हैं। उन्होंने स्पेशली तेजस MQ-2 के ऊपर जोर देते हुए कहा कि इंडियन एयरफोर्स में कम से कम 12 स्क्वाडन तेजस MQ-2 को इंडक्ट करना चाहिए, ये राफेल से काफी बेहतर होने वाले हैं। उनकी इसी बात को लेके उनको काफी सारे सवाल भी किए जा रहे हैं, जिसको आप अभी भी जाके उनके ट्विटर हैंडल में देख सकते हैं। एक सवाल ये था कि राफेल एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, जबकि तेजस MQ-2 एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट होने वाली है, तो क्या ये उसकी परफॉर्मेंस को मैच कर पाएगा? इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि राफेल ने पहली बार 1986 में उड़ान भरा था, जबकि तेजस MQ-2 2024 से 2026 के बीच उड़ान भरने वाला है। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो तेजस MQ-2 में जो सिस्टम होने वाले हैं वो राफेल से 40 साल आगे के होने वाले हैं। इसी बात को लेकर एक और सवाल किया गया था कि राफेल की जो स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में गिना जाता है, और राफेल एवियोनिक्स के मामले में भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बराबरी कर सकता है। इसी का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की बात करें तो ये 3 साल पहले की टेक्नोलॉजी है, जबकि इसको हम अभी इस्तेमाल करने वाले हैं, और जब तेजस MQ-2 आएगा तो उसमें 6 साल आगे की टेक्नोलॉजी होने वाली है। यहाँ पर काफी सारे लोगों को इस बात को हजम करने में काफी दिक्कत हो रही है कि तेजस MQ-2 में जो टेक्नोलॉजी होने वाली है वो राफेल से बेहतर होने वाली है, और उनमें से शायद मैं भी एक हूँ, लेकिन कुछ हद तक उनकी बात आर्ग्यू करने लायक है, क्योंकि हर एक टेक्नोलॉजी का एक वक्त होता है जिसके बाद उसको कोई ना कोई रिप्लेस कर देता है, और तेजस MQ-2 का जो एवियोनिक सिस्टम होने वाला है वो कम्प्लीटली एमका के लिए डिजाइन किए गए टेक्नोलॉजी को डिराइव करके बनाए जाएंगे। और तेजस MQ-2 की सिमुलेटर का हमने एक रिव्यू भी किया था, जिसमें कई सारे नए टेक्नोलॉजी के बारे में ADA की तरफ से बताया गया था, जो कि आने वाले वक्त में तैयार किए जाएंगे, और इसका कॉकपिट भी लगभग F-35 जैसा दिखने वाला है। तो यहाँ पर एयर मार्शल रघुनाथ नाम्बियार जी की बात तभी सही हो पाएगी अगर DRDO और ADA राफेल की टेक्नोलॉजी के मुकाबले बेहतर टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाते हैं, क्योंकि इसके बिना उनकी लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो F-22 को 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जबकि तेजस को 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी के मामले में तेजस F-22 से बेहतर है। अगला अपडेट भारत और टर्की को लेके। आप सबको याद होगा 2019 में इंडियन नेवी की तरफ से फ्लीट सपोर्ट वेसल के लिए एक टेंडर को फ्लोट किया गया था, जिसमें टर्की शिपयार्ड को L1 बिडर घोषित किया गया था। इस टेंडर में इटली, स्पेन, रशिया और जर्मनी भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन अंत में टर्की शिपयार्ड को सिलेक्ट किया गया था। इस टेंडर की कीमत लगभग $2.3 बिलियन के आसपास होने वाली थी, जिसमें 45,000 टन के डिस्प्लेसमेंट वाले 5 फ्लीट सपोर्ट शिप बनाए जाने वाले, लेकिन दिक्कत ये हुआ कि इसी बीच टर्की की तरफ से भारत को लेकर एंटी इंडिया स्टेटमेंट पास किए गए, जिस वजह से इस डील को होल्ड पर रख दिया गया। फिर दोबारा से इस टेंडर को इवेल्युएट किया जा रहा था, और अभी कुछ ही दिन पहले इस डील की टेक्निकल और फाइनेंशियल पैरामीटर को लेकर जो नेगोशिएशन किया जा रहा था वो कंप्लीट हुआ है, और हिंदुस्तान सिपेट लिमिटेड और टर्की की अनादलू सिपेट के बीच एक डील को साइन किया गया है। इसमें टर्की की सिपेट की तरफ से मेनली हिंदुस्तान सिपेट लिमिटेड को सिर्फ की डिजाइन किया जाएगा, और इसमें बनाने के लिए जरूरी इक्विपमेंट, मशीन्स या फिर टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। हिंदुस्तान सिपेट लिमिटेड की तरफ से भी इंडियन टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे, और इसमें अभी काफी सारे इंडियन कंपनी भी शामिल होने वाले हैं, जो कि हिंदुस्तान सिपेट लिमिटेड को इक्विपमेंट वगैरह सप्लाई करने वाले हैं, और इन शिप्स को बनाने के लिए जितना भी स्टील लगने वाला है वो सभी के सभी इंडियन कंपनीज की तरफ से सप्लाई किया जाएगा। साथ ही इसमें जो भी केबल वगैरह लगेंगे या फिर पेंट वर्क किया जाएगा, उन सभी को प्योरली इंडियन कंपनीज को मौका दिया जाएगा। अगला अपडेट एम्फीबियस एयरक्राफ्ट को लेके। दोस्तों, कल हमने बात किया था
कि चाइना की तरफ से अभी एक क्लेम किया जा रहा था कि उन्होंने एक ऐसा एम्फीबियस एयरक्राफ्ट को बना लिया है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एम्फीबियस एयरक्राफ्ट है। 26 जून को पीपल डेली चाइना की तरफ से इसकी टेस्ट फ्लाइट की वीडियो को रिलीज किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि ये इसका पहला टेस्ट फ्लाइट था। इस एयरक्राफ्ट का नाम AG-600 है और इसे चाइना की क्विंगडाओ रीजन में पानी से टेक ऑफ कराया गया था। और इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट के दौरान इस एयरक्राफ्ट ने करीब 28 मिनट का उड़ान भरा था, जिसके बाद इसको चाइना की रिजाओ एयरपोर्ट में लैंड करा दिया गया था। लेकिन अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसे हेविली एडिट किया गया है। इसमें कई सारे कट पेस्ट वॉक आपको देखने को मिलेगा और 6 से 7 सेकंड के बीच एक हेलीकॉप्टर अचानक से प्रकट हो जाएगा। आप सब सोच सकते हैं कि हो सकता है इसे अलग अलग कैमरा एंगल से लिया गया है, लेकिन वीडियो में आपको सिर्फ एक ही कैमरा एंगल देखने को मिला है। और वीडियो को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस एयरक्राफ्ट ने एक बार नहीं बल्कि टेक ऑफ करने के लिए कई बार प्रयास किया है और इसमें सेम चीज बार बार रिकॉर्ड किया गया था, जिसको अभी बाद में एडिट करके एक ही वीडियो में दिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसमें फिर भी ये क्लियरली पता लग रहा है कि एयरक्राफ्ट ने एक बार नहीं बल्कि कई बार टेक ऑफ करने का प्रयास किया है। एक और बात यहाँ पर गौर करने वाली है, असल में ये एयरक्राफ्ट पहले जिस जगह से स्पीड पकड़ना शुरू किया था, अगर उस जगह को आप गूगल अर्थ के जरिए जाके देखेंगे तो इसकी टेक ऑफ करने वाली जगह और स्टार्टिंग पॉइंट के बीच लगभग 4.5 किलोमीटर का फासला है, यानी कि इसे टेक ऑफ करने के लिए 4.5 किलोमीटर का रनवे की जरूरत है। और जाहिर सी बात है कि पहली टेस्ट फ्लाइट के दौरान ये एयरक्राफ्ट कभी भी लोडेड कंडीशन में नहीं होगा, तो आप सोच सकते हैं कि अगर इस एयरक्राफ्ट को, जिसे चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एम्फीबियस एयरक्राफ्ट बता रहा है, उसे लोडेड कंडीशन में टेक ऑफ कराने की कोशिश की जाती है तो इसका क्या हालत होगा। वैसे चाइना हर चीज को बड़ा बनाने की शौक रखता है, क्योंकि वैसे उनकी हर चीज काफी छोटी होती है। और जापान के सिस्टम को कॉपी करके बड़ा तो बनाया जा सकता है, लेकिन उठना भी उतना ही जरूरी होता है। वैसे हम यहाँ पर सिर्फ एयरक्राफ्ट की बात करें, लेकिन अगर आप कुछ और समझ के मजे लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगला अपडेट इंडो पैसिफिक रीजन को लेके है। इंडो पैसिफिक नाम लेते ही आप सभी के दिमाग में यूनाइटेड स्टेट, जापान, भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया का छवि आ रहा होगा, और इसको मेनली चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि साउथ चाइना सी में अभी चाइना जिस तरीके की बर्ताव कर रहा है उसे ग्लोबल ट्रेड को काफी खतरा है। और साउथ चाइना सी में मौजूद छोटे छोटे देशों को अभी चाइना की तरफ से आए दिन धमकियां दी जाती है। रिसेंटली आपने सुना होगा फिलीपीन की तरफ से चाइना को साउथ चाइना सी में विरोध करने की बात की गई थी और यूनाइटेड स्टेट की नेवी के साथ फिलीपींस जाके जॉइंट एक्सरसाइज को कर रहा था। पर अभी चाइना की तरफ से फिलीपींस को चाइनीज रायते की वैक्सीन को ऑफर किया गया और बदले में साउथ चाइना सी से अपना क्लेम वापस लेने को कहा जा रहा है और फिलीपींस को यूएस का साथ ना देने के लिए कहा जा रहा है। ये सेम स्ट्रेटेजी ताइवान के ऊपर भी चाइना लागू करने की कोशिश कर रहा है। अब इसमें चाइना को काउंटर करने के लिए भारत यूनाइटेड स्टेट की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी एक खबर सामने आई है जिसके मुताबिक भारत अभी इंडो पैसिफिक में रशिया को भी शामिल करना चाहता है। रशिया डायरेक्टली इसमें शामिल नहीं हो सकता है, लेकिन अगर भारत की तरफ से रशिया को अप्रोच किया जाता है तो रशिया इंडो पैसिफिक में शामिल होने के थोड़े बहुत चांसेस जरूर हैं। और अगर ऐसा होता है तो भारत के ऊपर से काफी सारे दबाव हट जाएंगे, क्योंकि अगर यूनाइटेड स्टेट और रशिया क्लोज आते हैं तो भारत को इन दोनों के साथ तालमेल बिठाने में काफी आसानी हो सकती है, क्योंकि आए दिन ये दोनों एक दूसरे के ऊपर किसी न किसी तरह के सैंक्शन लगाते रहते हैं। दूसरी तरफ चाइना भी अभी एकदम से अकेला पड़ जाएगा, और इसी बात को लेकर अभी प्रिंट में एक रिपोर्ट आया था जिसके मुताबिक रशिया और भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री के लेवल में अभी इसी बात को लेकर विचार किया जा रहा है और रशिया को इंडो पैसिफिक में शामिल करने के लिए भारत कोशिश कर रहा है। साथ ही जब पीएम नरेंद्र मोदी जी और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत हुआ था तो तब भी रशिया को इंडो पैसिफिक रीजन में शामिल होने के लिए भारत की तरफ से ऑफर दिया गया था। वहीं पर रशिया के साथ अगर भारत के रिलेशन की बात करें तो ये काफी गहरी है। आप सब देख सकते हैं कि चाइना के साथ रशिया के इतने अच्छे संबंध होने के बाद भी रशिया ने जरूरत के वक्त ही भारत को सभी प्रकार के हथियार तुरंत ही डिलीवर कर दिया और बदले में चाइना को रशिया की तरफ से बार बार डिसएंगेजमेंट करने के लिए कहा जा रहा है। और अभी S-400 सिस्टम की मिसाइल की सप्लाई को चाइना के लिए बंद करने का फैसला किया गया है। रशिया भी ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि चाइना सिर्फ उसकी इकोनॉमिक कंडीशन का फायदा उठाता है और उसकी टेक्नोलॉजी को लेकर रिवर्स इंजीनियरिंग करता रहता है, जबकि भारत असल में रशिया का फ्रेंडली कंट्री है। और अगर यहाँ पर भारत रशिया को इंडो पैसिफिक में शामिल करा लेता है तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर होने वाली है। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेकर है। पिछले 2 महीनों से भारत और चाइना के बीच बॉर्डर में काफी तनाव चल रहा है। हालांकि दोनों ही तरफ से बातचीत चल रहा है, लेकिन तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक चाइना भारत के ऊपर विंटर सीजन में हमला करने की प्लानिंग कर रहा है, जहां पर वो सियाचिन, लद्दाख या फिर उत्तराखंड के पास फ्रंट खोल सकते हैं और वहीं पर अरुणाचल के पास भी नए फ्रंट खुल सकते हैं।
इसी बात को लेके भारत के मिलिट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर चाइना विंटर सीजन में भारत के साथ लड़ाई लड़ने की प्लानिंग कर रहा है तो वो बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं, क्योंकि अक्साई चीन एरिया में विंटर सीजन में 7 फुट से भी ज्यादा बर्फ जम जाता है और चाइना यहाँ पर सिर्फ गर्मियों के सीजन में ही एक्टिव होता है और जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज यहाँ पर की जाती है वो गर्मियों के सीजन में किया जाता है और विंटर में यहाँ पर जो हालात होंगे ऐसे हालात में चाइना यहाँ पर कोई भी आर्मर्ड व्हीकल को लेकर नहीं आ सकता है और चाइना की आर्मी इनके ऊपर काफी डिपेंड करते हैं। बदले में अगर भारत की बात करें तो ऐसे हालात हमारे लिए बिल्कुल भी नए नहीं है, क्योंकि जिस सीजन में चाइना अक्साई चीन से वापस चला जाता है वैसे हालात में हमारे सोल्जर सियाचिन में साल भर तैनात रहते हैं और ऐसे हालात में इंडियन आर्मी आमतौर पर चल के पेट्रोल करती है जो कि चाइना के जवान नहीं कर पाएंगे। चाइना की फायर पावर भी विंटर सीजन में कोई काम नहीं आएगी क्योंकि उस वक्त ठंड की वजह से उनके आर्टिलरी से लेकर टैंक तक सब बेकार हो जाएंगे और एक भी गोली फायर नहीं कर पाएंगे क्योंकि उस वक्त लद्दाख में जो टेम्परेचर होने वाला है वो -25 डिग्री के आसपास होने वाली है और ऐसे में आर्टिलरी गन के बैरल जो है वो जम जाएगी और फायर करने लायक नहीं रहेगी। बदले में अगर फिर भी चाइना को लड़ाई लड़नी है तो उनको एक ऐसी आर्मी का सामना करना पड़ेगा जो कि सियाचिन में 1984 से तैनात है और माउंटेन वॉरफेयर में जिसे दुनिया की सबसे बेहतरीन आर्मी कहा जाता है और चाइना अपनी आर्मी को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में बस कुछ ही जगहों पर डिप्लॉय करती है जबकि इंडियन आर्मी पूरे 3488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हर जगह पर तैनात है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।